और क्या काम दुनिया भर के पूरे करोगे? हटा दो काम दुनिया भर के गलती करोगे और चेहरा नहीं दिखाओगे। हटा दो अगर रुक जाए रिकॉर्डिंग रोक दो। हट जाने दो भाई। हो जाती है पलंग हटाने के पहले हटा लो। रहने दो अगर रुक जाए हट जाने दो रिकॉर्डिंग रोक दो भाई। हटा दो कपड़े हटाओ चेहरा हटाओ। हाँ सामने देखो सही से हटा दो। खड़े हो सीधे इधर से इधर देखो इधर देखो तुम लोग ठीक है। कहाँ पहुँच गया यार? थोड़ा पीछे हट के फोटो होगा यार। फोटो नहीं आ रहा सही से बिल्कुल। बैठ जा बेटा नीचे बैठ जा नीचे बैठ के बना ले। मुझे नहीं दिख रहा मेरा मोबाइल। गैंग पकड़ा गया किस तरीके से सुनागढ़ से लियो कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? ये थाना सुभाष नगर में हमें इनपुट आ रहा था कि यहाँ गैंग ऑपरेट कर रहा है जो कि अफीम की तस्करी कर रहा है। तो उस चीज़ पर हम लोगों ने अपनी टीम को लगा रखा था और उसी क्रम में हम लोगों ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया इसमें जो कि इस अफीम को लेने कंज्यूम करने और आगे बेचने का काम करते थे। और इस संबंध में ऐसे व्यक्तियों के भी नाम सामने आए हैं जिनसे ये सामान लेते थे और कुछ ऐसे कस्टमर्स के भी नाम आए हैं जिनको ये फाइनली बेचते भी थे। ये खुद भी उस चीज़ का सेवन करते थे और एक तरीके से इनका पूरा एक रैकेट था। और उसके अलावा ये जो तमंचा की डीलिंग भी करते थे, ये भारी मात्रा में तमंचे भी लेते थे और उसका अपना स्वयं भी प्रयोग करते थे और उसके अलावा उसे भी बाकी लोगों को देते थे। तो एक तरीके से ये पूरा गैंग पकड़ा गया है जिसमें कि लगभग 1 किलो के आसपास टोटल मिला थी अफीम हमें इन दोनों लोगों से मिली है। और एक तमंचा मिला है, कई बुलेट्स मिली हैं, कुछ मोबाइल और मोटरसाइकिल्स मिले हैं। तो क्या लगता है ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, किस तरीके से इनको नेटवर्क ये अपना ऑपरेट करते थे? इनका नेटवर्क पूरा बदायूं और बरेली ज़िले में चल रहा था। ये मोस्टली बदायूं ज़िले से भी इनके कनेक्शंस थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बदायूं से भी ऑपरेट करते थे और इनके संपर्क में थे। तो सुभाष नगर और जो बदायूं बॉर्डर एरियाज़ में इनका ऑपरेशन ज़्यादा होता था और ये रेगुलर इस चीज़ को सप्लाई लेते थे और आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे और स्वयं इसको कंज्यूम भी करते थे। तो कितने रुपए की यहाँ की जाएगी इसकी कीमत और कितने रुपए में बेचते थे? लगभग इसकी कीमत अभी 1.5 लाख के आसपास बताई जा रही है, लेकिन इसको जैसे जैसे इस चेन में ये आगे बढ़ता जाता है तो उसकी कीमत कई गुना मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो इसको ये आगे 2.5-3 लाख में बेचते, वो उसको आगे 4-5 लाख में बेचते, तो इस तरीके से ये की पूरी चेन बन जाती है। इनका कोई अपराधी रिकॉर्ड? उस चीज़ को हम लोग खंगाल रहे हैं, बाकी दूसरे जनपदों से भी बदायूं से भी हम लोग पता कर रहे हैं कहीं का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे।